नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान प्रत्यक्ष दर्शन साधना। दोस्तों, हनुमान जी की व्याख्या जितनी करे उतनी कम है। इस साधना को पूरी तरह परख के ही दे रहा हूँ। इससे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, वचन भी हो जाता है, पर इसे किसी निर्देशन में ही करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ साधक ऐसी साधनाओं से अपनी मनोदशा खो देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। प्रत्यक्षीकरण कोई खेल नहीं है। सूर्य जैसा तेज पुंज जब आँखों के सामने होता है तो कमरे में इतनी रोशनी हो जाती है कि आंखें चिंधिया जाती है। बाकी आपकी भक्ति या मनोदशा पर निर्भर करता है कि आप साधना को किस दृष्टि से ले रहे हैं। अगर कोई नहीं तो सद्गुरु है, बस इतना मन में रखें। फिर भी यही कहूँगा कि इसे गुरु आज्ञा या गुरु निर्देशन में ही करें। यह साधना बहुत साधक कर चुके हैं और सफल भी हुए हैं। इसे आप हनुमान जी के मंदिर में या किसी नदी के किनारे या किसी पर्वत शिखर पर करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपके पास साधना कक्ष है जिसमें आपके अलावा कोई और न जा सकता हो और पूर्ण पवित्र और शुद्ध वातावरण हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। फिर भी मेरी राय में इसे नदी पर करना ही ठीक रहता है या खुले मैदान में। इस साधना की तैयारी इस प्रकार करें। सबसे पहले आप अपने लिए वस्त्र लें जिन्हें केवल साधना के वक्त पहने। वस्त्र सफ़ेद या लाल ले सकते हैं। लंगोट भी पहनकर कर सकते हैं, नहीं तो लाल या सफ़ेद धोती पहन लें और गुरु पीताम्बर ले सकते हैं। आसन सफ़ेद या लाल लें और साथ में लड्डू, सिंदूर और फल के रूप में केले, एक दिया और धूप, गंगा जल, तेल, रुई और माचिस, एक जल का लोटा और सफ़ेद या लाल फूल जो भी मिले ले लें। जल के लोटे में दूध मिला दें और जप के बाद किसी पीपल आदि पर चढ़ा दें या नदी में बहा दें। अगर आप साधना घर या बाहर कर रहे हैं तो पहले मंगलवार उपवास रखें और हनुमान जी के मंदिर जाकर दीप जगाएं और साधना के लिए आज्ञा लें। आपको कोई न कोई संकेत मिल जाएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई भी साधना तब तक फलदायी नहीं होती जब तक देवता उसकी आज्ञा न दें। आप मानसिक चिंतन करते रहें, किसी न किसी संकेत के जरिए या स्वप्न में आपको आज्ञा मिल जाए तो इस साधना को शुरू कर लें। इस साधना का विधि इस प्रकार है। घर के बाहर खुले में आप इसे करें या हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन लगाने से पहले गंगा जल छिड़क कर जगह पवित्र कर लें। गाय के गोबर से 2x2 फीट का स्थान लिप के आटे की मदद से चौक लगाएं।
जिसमें स्वस्तिक आदि के चिन्ह बनाकर उस पर फूल बिछा दें और उस पर हनुमान जी की मूर्ति या यंत्र या चित्र आदि रख सकते हैं। कोई भी हनुमान जी का विग्रह स्थापित करें और गुरु पूजन और गणेश पूजन कर सदगुरु आज्ञा ले और साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें। दीप लगा दें और धूप आदि लगाकर शुद्ध मन से संकल्प लें। जितने दिन आप साधना में हो उतने दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य दैहिक और मानसिक रूप से रखें, शुद्ध रहें और जहाँ तक हो सके खाना खुद बनाकर खाएं। साधना काल में किसी भी हालत में रजस्वला स्त्री के हाथ का बना खाना निषिद्ध है। इससे बेहतर है कि आप दूध फल आदि लें और दूध भी कच्चा लेना है, आग पर चढ़ा हुआ नहीं लेना है। अगर आप दूध और फल पर ही रह रहे हैं तो भुने हुए चने गुड़ आदि भी भोग लगाकर खा सकते हैं। यह सभी नियम देखने में कठिन जरूर है पर मुश्किल नहीं, क्योंकि इस साधना में पूर्ण शुद्धता की जरूरत होती है, इसलिए नियम अनिवार्य समझता हूँ। अब गुरु पूजन गणेश पूजन के बाद सुरक्षा हेतु एक घेरा लगा लें और आप हनुमान चालीसा या गुरु कवच या शिव कवच के पाठ से लगा सकते हैं। यह सिर्फ साधना में कोई विघ्न न आए इसलिए हनुमान जी को कोई कील नहीं रोक सकती सिवाय रामकार के। इसलिए अगर आप रामकार मंत्र जानते हैं तो बेहतर है, नहीं तो राम नाम का जप करते हुए भी घेरा बना सकते हैं। उस घेरे में सिंदूर फल आदि हनुमान जी के चित्र के आगे रख दें। फल रोज लेने हैं और मंगलवार उपवास करना है। उपवास के वक्त मीठा भोजन एक वक्त ले सकते हैं, जैसे बेसन का हलवा आदि। मंत्र जप करना है आप 11 माला जप करें और मूंगे की माला से ही करें। यह साधना शाम 7 से 11 बजे के बीच कर सकते हैं। भोग लगाया हुआ प्रसाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं या छोटे लड़के को भी दे सकते हैं। इस जप में दिशा उत्तर रहेगी और पूजन और सुरक्षा घेरा रोज बनाना है। इस साधना को 41 दिन करना है और इसे शुरू करने का दिन मंगलवार या गुरुवार ठीक रहते हैं। दृष्टि में पवित्रता जरूरी है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।